लीजिए ना। नहीं, ये काफी है बस। राशिद भाई, वैसे तो हमारी जहीदा को घर के सारे काम आते हैं, पर खाना बहुत लजीज बनाती है। सेवैयां खा के तो आप जान गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अरे जहीदा, अनवर मियां को सेवैयां दो, कब से खाली बर्तन लेके बैठे हैं। और लीजिए। नहीं बस, और नहीं। अरे अनवर मियां, शर्माने का काम आप हमारी जहीदा पे ही छोड़ दो। शर्माओ मत, ले लो और जल्दी से निकाह को हाँ कर दो। जब फूफी का निकाह होगा तभी तो अम्मी अबू मेरे लिए लड़का देखेंगे। अरे शैतान की खाला, हम लोग तुझे इतनी जल्दी रुखसत नहीं करने वाले। अभी आपको अबू और अम्मी के साथ बहुत साल रहने हैं। आरिफ मियां जी, भाई अब निकाह की तैयारी करो, हमें आपकी जाहिदा पसंद है। शुक्रिया। कैसा है? हाँ, ये पकड़ 2 दिन का एडवांस, चाबी दे रूम की। ये लो भाईजान। अब भाईजान, वो आईडी भी लगेगा ना, आजकल मामला बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गया है। ये ले। भाईजान, ये लोग रहने वाले हैं ना, तो इनका आईडी लगेगा ना। ये ले आईडी। और कुछ मांगते नहीं? ठीक है। सुनील, साहब का सामान ले जा कमरे तक। आप लोग आराम कीजिए, नहाइए धोइए, अपन गाड़ी का इंतजाम करके आता है। शुक्रिया। अरे किधर को रख दी, सब जगह ढूंढ ली मैं। मिली नहीं भाभी, इधर को भी नहीं मिली। किधर को रखी तूने? इधर ड्रेसिंग टेबल पे ही रखी थी। मैं बोली थी ना तेरे को, हाँ सोने की वाली है, खेलने की चीज नहीं है, पर सुनती किधर को है ये। अरे क्या हो गया, काय को तू चिल्ला रही है इसके ऊपर? पर ऐसे कैसे खो गई भाभी, घर से बालियां कहाँ जाएंगी? मेरे को क्या मालूम। मेरे को मालूम है कहाँ गई होगी बाली और कौन लेके गया है। ये है अब उनका वर्ली सीलिंग, मस्त है ना भाईजान। शाहरुख का घर देख सकते हैं क्या? शाहरुख का नहीं, सलमान का। अरे अपन आप दोनों को दोनों का दिखाते हैं ना, क्या टेंशन है भाईजान। वो घर पे मिलेंगे क्या? उनके साथ एक फोटो निकालनी है। हाँ वो तो बैठे होंगे कि आसमा आएगी, फिर तुम्हारे साथ फोटो निकालेंगे, उसके बाद काम पे जाएंगे। वैसे चीफ मिनिस्टर कहाँ होगा? अगर ज्यादा दूर ना हो तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE देख सकते हैं क्या? बहुत सुना है उसके बारे में। आप जो बोलो दिखाता हूँ ना मैं आपको, टेंशन मत लो आप। वैसे पासपोर्ट ऑफिस भी इधर ही है ना? मुंबई में पासपोर्ट ऑफिस हर जगह है अभी, तो आप जहाँ बोलोगे अपन लेके जाएगा ना आप लोगों को, क्या टेंशन है। और सुन ध्यान से, एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। अरे सुनिए ना, बहुत घबराहट हो रही है। काय को? काय को? परसों निकाह है और सारे पैसे खत्म है, कैसे करेंगे? सब इंतजाम हो जाएगा, कुछ पैसे है मेरे पास। काय को टेंशन ले रही है, अगर पैसे कम होएंगे ना तो गाड़ी बेच देंगे, दोबारा आ जाएगी। जायदा का निकाह कौन सा बार बार होने वाला है, जाता काले। जा जा। यूनुस भाई, हमें कुछ और दिनों तक ठहरना पड़ेगा, इतना लंबा होटल में रह नहीं सकते, कुछ और इंतजाम कीजिए ना। हो जाएगा ना भाई, अपन एक काम करते हैं, अपन एक 1 BHK लेते हैं ना भाड़े पे, टेंशन नहीं कोई। हाँ ये ठीक रहेगा, लेकिन उसके लिए तो डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह वगैरह। भाई उसकी क्या प्रॉब्लम है, अपन है ना, अपन अपने नाम पे लेगा फ्लैट, देगा अपना डॉक्यूमेंट, बिंदास रहने का, कोई टेंशन नहीं। शुक्रिया भाईजान। ये है घर, देखिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। रिश्तेदार है वो तेरे, जो तू सब कुछ करके देगा उनको। पहले होटल में कमरा लेके दिया अपने नाम पे, अब भाड़े पे फ्लैट दिला रहा है, वो भी अपने नाम पे। ऐसा ना हो कि इतने लालच में तू कहीं फंस जाए। ए,
तू अपना काम कर। तेरे को मालूम क्या है? अरे अब उनको बहुत फायदा होने वाला है उनकी वजह से। अल्लाह हाफिज़। को इतना परेशान हो रहे हो? अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक होएगा। पर मैं किधर बोला अल्लाह पे भरोसा नहीं है मेरे को? मेरे को जायदा की फिक्र लगी है, बहुत सदमा पहुंचा उसको। तुम देखना, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा और जाहिदा भी संभल जाएगी। ये बाजू हटा, चल पीछे, चल चलो पीछे हटो, चलो पीछे, चलो पीछे। शिरके आसपास सीसीटीवी है क्या? देखो इधर बगल का संपर्ता था, किसी ने कुछ देखा था क्या? सर जब मैं उधर से आ रहा था ना, तो मैंने एक ट्रक देखा बहुत तेजी से जा रहा था, और जब मैंने यहाँ आकर देखा तो एक्सीडेंट हुआ था, और ये दोनों ऐसे ही पड़े थे। ट्रक का नंबर देखा? नहीं सर, एक्चुअली मैंने ही ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा इनकी हेल्प करनी चाहिए और इसलिए मैं यहाँ पर आया, तो ये लोग मरे पड़े थे, और फिर मैंने ही सर आपको कॉल किया। सर इस रोड पे कहीं भी कोई सीसीटीवी नहीं है। अरे रोड जहाँ से शुरू होता है वहाँ तो रहेगा सीसीटीवी, दोनों साइड चेक करो रोड के, वो ट्रक को पकड़ना जरूरी है शहर से बाहर जाने के पहले। ठीक है सर। सर ये दो फोन मिले, बुरी तरह टूट गए, ये देखिए ये ड्राइविंग लाइसेंस मिला, इसके ऊपर अरिफ बेग बोल के नाम है और कपूसवाड़ी का एड्रेस है। सर ये औरत का कोई आईडी प्रूफ नहीं मिला, इसका भी पता चल जाएगा, इसके फैमिली वाले को बुलाओ आइडेंटिफिकेशन के लिए। सर ये देखिए, ये क्राइम लोकेशन के 200 मीटर पहले लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है। यहाँ पे बाइक के पीछे ट्रक जा रहा है, और सर ये देखिए ये क्राइम लोकेशन के 100 मीटर बाद का सीसीटीवी फुटेज है, इसमें ट्रक काफी तेजी से पास होता दिख रहा है। वॉच करो, ये ट्रक के नंबर प्लेट पे जूम करो। शिरके ये नंबर हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो, नाकाबंदी करो, ये ट्रक शहर से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है सर। सर मैंने आरिफ के फैमिली को कॉन्टेक्ट किया, वहां से एक चौंका देने वाली खबर मालूम पड़ी। क्या? साइड अंदर अंदर है। बॉडी को सबसे पहले किसने देखा था? सर अनम ने। मत रो बच्ची, सब ठीक हो जाएगा, मत रो मत रो। आप कौन है? साहब मैं यास्मीन शेख, मैं इनकी पड़ोसन हूँ, जायदा इसकी खाला थी, इसने जब जायदा को लटकते हुए देखा तो बहुत जोर से चिल्लाई, तुम्हें भाग कर आई देखने के लिए कि क्या हुआ, तो मैंने देखा कि जायदा लटकी हुई थी साहब। इसके अलावा घर पे और कौन कौन था? अभी तो फिलहाल ये दोनों ही हैं, आरिफ भाई और शबाना तो निकाह में गए हैं, शाम को आने वाले थे, और अब वो भी। सर हमने इन्हें इन्फॉर्म कर दिया था एक्सीडेंट के बारे में। तो इसके माँ बाप बुआ के अलावा और कोई रिश्तेदार नहीं है मुंबई में? नहीं साहब, आरिफ भाई के वालदान को गुजरे हुए परसों हो गए, और जब से आरिफ भाई ने अपने छोटे भाई आसिफ को घर से बाहर निकाला है तो पता नहीं वो कहाँ है, कभी दिखे ही नहीं उसके बाद। मुझे अब तो फिक्र है कि इस बच्ची को कौन देखेगा, इसका क्या होगा साहब। Thank you.
जब तक इसके रहने का इंतजाम नहीं होता यहीं रहने दो इसे। ओके सर। कुछ खिलाओ इसको। चलो बेटा। जाओ बेटा आंटी के साथ। परिवार की मौत से बड़ा सदमा लगा है सर इसे। सदमा तो लगेगा ही शिरके। एक घंटे में पूरा पूरा परिवार खत्म हो गया। इसने अपने बुआ को सामने लटकते हुए देखा है। यही ट्रक लग रहा है। नंबर देख। ए, पकड़ा। ए, रुक। आंटी ने बताया तुमने खाना नहीं खाया। भूख नहीं लगी तुम्हें? मुझे तो बहुत भूख लगी है। बहुत बढ़िया है, बहुत टेस्टी है, खाओ। मैं सिर्फ अम्मी के हाथ से ही खाना खाती हूँ। तो तुम्हारी अम्मी को बहुत बुरा लग रहा होगा क्योंकि तुम्हें भूख लगी है और तुम्हें खिलाने के लिए वो यहाँ नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी अम्मी ऐसा कुछ काम करती थी जिससे तुम्हें बुरा लगे? नहीं ना, फिर तुम्हें भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे अम्मी को बुरा लगे। अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो अम्मी को बुरा लगेगा, तुम खाना खाओगी तो अम्मी को अच्छा लगेगा। खाओ बेटा। अच्छा बेटा, तुम्हारे आसिफ चाचू कहाँ हैं? आसिफ चाचू बहुत बुरे हैं। खाला बोलती थी कि वो नशा करते हैं और इसीलिए वो घर से सामान चुराते थे। और एक दिन क्या तेरे हाथ में? कुछ भी नहीं है। ये चोरी कर रहा है। देखो इसको। अपना नशा पूरा करने के लिए दोबारा तो इस घर में चोरी किया ना, हाथ तोड़ देगा मैं तेरा। हो गया आपका? अरे काई को नहीं सुनता है तो नशा पूरा करने के वास्ते घर का पूरा सामान बेच दिया। अभी क्या हमको बेच के अपना नशा पूरा करेगा क्या? आपका फालतू का बकवास नहीं सुनना है मेरे को। हा? मेरे को ना मेरा पैसा चाहिए। मेरे को पैसा दो। अभी पैसा दो मेरे को। कैसा पैसा चाहिए तेरे को? कैसा पैसा चाहिए? एक पैसा कमाया तू कभी? अरे भीख नहीं मांग रहा आपसे, समझे ना? भीख नहीं मांग रहा, हिस्सा चाहिए मेरे को। मेरा हिस्सा चाहिए इस प्रॉपर्टी में ना, मेरा भी हिस्सा है। हिस्सा दे दो मेरे को, पैसा दे। हिस्सा चाहिए तेरे को? दोबारा तो यहाँ दिखाई दिया ना मुझे, पाँव तोड़ दूंगा मैं तेरा। अभी तो मैं जा रहा हूँ लेकिन हिस्सा तो मैं मेरा लेके रहूंगा और इसका बदला भी। कहीं नवीन कपड़े क्यों होंगे? पुराने घर के कपड़ों में रहेगी तो घर की याद आएगी, और हो सके तो इसको आज तुम्हारे घर पे रखना, ठीक है? घर के माहौल में रहेगी तो सो पाएगी। ले जाओ इसको। चलो बेटा आ जा। ठीक है। अनम के कहने के मुताबिक ये आसिफ और ट्रक ड्राइवर में कनेक्शन हो सकता है। एक मिनट सर। हेलो,
गुड, ले आओ उसे। सर, वो ट्रक ड्राइवर पकड़ा गया है, लेकर आ रहा हूँ उसे। सब मैं बहुत पिया हुआ था साहब, इसलिए टाइम पे ब्रेक नहीं लगा और ठोक दिया साहब। मैंने जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया साहब। साहब 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 जी साहब, तेरी एक गलती की वजह से दो लोगों की जान गई, एक बच्चे अनाथ हो गए, उनको मदद करने की वजह तो भाग गया। साहब साहब मैं डर गया था साहब, इसके लिए साहब माफ कर दो साहब। एक मिनट, आपको कुछ दिखाना है। सर ये वीडियो देखिए। मतलब ये एक्सीडेंट नहीं मर्डर है, ये बरकत अली झूठ बोल रहा है। अब अगर झूठ बोलेगा ना तो तेरे ऊपर से ट्रक लेके जाऊंगा, और गलती से नहीं जानबूझ के, समझा? सच बता, सच बता। सब 50,000 रुपया मिले थे उनको मारने के लिए। किसने दिए थे पैसे? साहब मालूम नहीं साहब, उसने नाम नहीं बताया। दादर के ब्रिज पे मिलने बोला था, और साहब उसने पैसा दिया और बोला कि बाद में बताता हूँ क्या करना है। शक्ल कैसी दिखती थी उसकी, कैसा दिखता था वो? सब याद नहीं साहब, मैं सिर्फ एक ही बार मिला था साहब। उसके बाद साहब उसने फोन किया, बोला एनजी रोड पे तैयार रहना, ब्लैक बाइक आएगी उसमें मुस्लिम जोड़ा है उनको साहब, उसमें एक औरत है बुरका पहन के, उनको उड़ाना है। शिरके इसको कुत्ते की जैसा मारो, सिर्फ ध्यान रखो ये मरना नहीं चाहिए। इसके कॉल डिटेल्स निकालो और सुपारी देने वाले का नंबर ट्रेस करो, आसिफ के बीच अपने खबरी लगा दो, और ये भी पता करो कि जहीदा ने सुसाइड क्यों किया। हड्डी पसली एक कर देंगे तेरा। साहब 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 क्या बता सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि जाहिदा ने सुसाइड कर लिया, या फिर ऐसा है कि किसी ने जाहिदा का मर्डर किया? साहब जाहिदा बहुत ही नेक और शरीफ बच्ची थी, और तो और वो बहुत ही जज्बाती लड़की थी साहब। मुझे तो लगता है कि बदनामी के डर से उसने ये खुदकुशी की। किस तरह की बदनामी? जाहिदा का निकाह तय हुआ था, सब बहुत खुश थे। निकाह के 2 दिन पहले लड़के वाले आ गए दहेज मांगने, बहुत बड़ी लड़ाई हुई, और आरिफ भाई ने उन्हें एकदम बराबर जवाब दिया। चलो निकलो, 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 बाहर निकलो, बाहर निकलो, चलो निकलो यहाँ से। दहेज चाहिए तुमको है? अपने बेटे को बेचने के लिए बाजार में निकले हो क्या? नल्ला माल है तुम्हारा बेटा, नल्ला माल है। नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा बेटा। चलो निकले इधर से, चलो निकले इधर से, पुलिस को बुलाऊंगा अभी तुमको और तुम्हारे बेटे को अंदर करूंगा, निकल। ए आरिफ, ये तू सही नहीं कर रहा, बहुत महंगा पड़ेगा तुझे, समझा क्या? और ये निकाह नहीं हुआ ना तो तेरी बहन बदनाम हो जाएगी। अब मैं तुझे दिखाता हूँ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बोल रहा हूँ तुझे। चल निकल यहाँ से, चल। ए जा रहा हूँ, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। सर शादी टूटने की वजह से जाहिदा काफी डिप्रेशन में थी, यहाँ तक आरिफ सबाना और अनम ने भी काफी कोशिश की कि वो डिप्रेशन से बाहर आ जाए, लेकिन सर वो वैसे ही रही। उसका कहीं अफेयर वगैरह चल रहा था? नहीं सर, ऐसी बात तो कोई सामने नहीं आई है। सभी का यही कहना है कि वो काफ़ी सेंसिटिव थी, और शादी टूटने की वजह से उसे काफ़ी बड़ा सदमा लगा था। उसने जो एक्सट्रीम स्टेप लिया उसे तो यही लग रहा है। सर जिस दिन वो एक्सीडेंट हुआ उस दिन आरिफ और शबाना शादी में किसी के घर जा रहे थे। ये PM रिपोर्ट के मुताबिक जाहिदा की मौत में मर्डर की कोई पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है, मतलब सर ये आत्महत्या ही लग रही है। PM रिपोर्ट से तो यही लग रहा है, लेकिन अगर ये आत्महत्या नहीं है तो आरिफ शबाना और जाहिदा इनके केस में हमारे सामने 2 सस्पेक्ट हैं, राशिद हुसैन और आसिफ बेग। सब कई को हम पे तो हमत लगाता है सब, हम लोग सर उनका मर्डर काई को करेगा? हम लोग निहायत ही शरीफ और इज्जतदार लोग हैं। अच्छा तो शराफत की आड़ में तुम लोगों ने दहेज मांगा था है ना? अच्छा एक बात बताओ, आरिफ और शबाना के मर्डर के दिन तुम लोग कहाँ थे? अब उस दिन अनवर की शादी के लिए लड़की देखने गए थे, भिवंडी सर। अच्छा तो मर्डर की प्लानिंग फोन पे किए थे? साहब आप मेरे अब्बू पे काई को इल्जाम लगा रहे हो? ए! सुनी मेरी आवाज, तेरे से बड़ी है ना,
आवाज नीचे। और अबू पे नहीं, तेरे ऊपर भी इल्जाम लगा रहा हूं मैं। अनवर तू खामोश रहे, मैं बात कर रहा हूं ना। साहब आपको लगता है कि हमने अगर टेलीफोन से बात की, आप हमारा टेलीफोन चेक कर लो, और अगर उसके बाद भी कुछ करना है तो आप बताओ ना हमें। साहब जब हमने कुछ किया ही नहीं तो डर कैसे लगेगा। शिरके ये तो बहुत शरीफ लोग निकले, लेकिन शरीफ लोगों ये केस जब तक सॉल्व नहीं होता शहर छोड़ के बाहर नहीं जाना। शिरके सर ये भिवंडी में जहां लड़की देखने के लिए गए थे जगह क्रॉस चेक करो। नंबर ट्रेस हुआ? ठीक है सर। बरकत अली को मर्डर करने के लिए जिस सिम से इंस्ट्रक्शन मिल रहा था सर्वर नंबर सांता क्रूज ईस्ट से एक दुकान से खरीदा गया था, और वो भी बिना आईडी के सर, और उसी दिन से वो नंबर अभी तक स्विच ऑफ है। एक्सपेक्टेड था। ये बरकत अली के कॉल डिटेल्स निकालो। ठीक है सर। सर वो राशिद हुसैन सच बोल रहा था सर, वो भिवंडी में लड़की देखने गया था। ये देखिए। अच्छा वो वीडियो किसने अपलोड किया पता चला? यस सर, उस लड़के का नाम मनोज जोशी है और वो फिल्म मेकिंग का कोर्स कर रहा है सर। उसने अपने प्रोजेक्ट के लिए सनसेट, ट्रैफिक सिग्नल, इन सब चीज़ों को कैप्चर कर रहा था, उसी में ये एक्सीडेंट भी कैप्चर हो गया सर। मैंने उससे बात की है, उसका कहना है कि अगर इन्वेस्टिगेशन में उसकी किसी तरह से ज़रूरत पड़े तो वो कॉपरेट करने के लिए तैयार है। और उस सिम का क्या हुआ? सर बरकत अली को जिस सुपारी कलर का कॉल आया था मैंने उस सिम के डीलर से बात की है सर। उसका कहना है कि वो सिम हुसैन फैमिली में से किसी ने नहीं खरीदा था, और सर हुसैन फैमिली के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से दोपहर 2 बजे से शाम के 6 बजे तक भिवंडी में ही थे। उनके रिकॉर्ड में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है। तो इसका मतलब हमारे सामने जो सस्पेक्ट है उसमें से बचा आसिफ बेग, वो है कहां? ड्रग ओवरडोज का केस है, 4 दिन पहले ही यहाँ पे एडमिट हुआ है। गुड जॉब करडे। शिरके करडे के साथ सिटी हॉस्पिटल जाओ। सब अरे वाह, कपड़े तो बड़े अच्छे लग रहे हैं आपको। अंकल ज्यादा शक्कर अच्छी नहीं होती, हम लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा है, अम्मी भी यही कहती थी, अम्मी अब्बू को भी कम शक्कर वाली चाय देती थी। अल्लाह शबाना जी, सुबह सुबह इतनी फीकी चाय पीने का क्या मतलब है, थोड़ी तो शक्कर डाल दिया करो। जितनी शक्कर होनी चाहिए उतनी है, चाय पीनी है तो पियो वरना छोड़ दो। अरे अनम, बेटा थोड़ी सी शक्कर लेके आ, इसमें शक्कर बहुत कम है। शक्कर चाहिए आपको? हाँ। मिल गई शक्कर? अरे क्यों, मिल गई ना चीनी? अच्छा अम्मी की चमची शक्कर मांग रहा हो तो चुम्मी दे रही है तू। सर ये जनरल वार्ड है, बेड नंबर 4। एक मिनट सुनना। जी सर। ये यहाँ पे एक पेशेंट था ना आसिफ बेग नाम का, कहाँ गया वो? सर पता नहीं कहाँ चला गया, सुबह तो यहीं पर था। ये हॉस्पिटल है या धर्मशाला है? कोई भी अपनी मर्जी से आ जा सकता है क्या? कोई रिकॉर्ड विकॉर्ड होता है कि नहीं? एक मिनट सर मैं देखती हूँ। ये देखिए सर, 12 बजे आसिफ बेग को डिस्चार्ज मिला है और वो सारा पेमेंट कैश में ही देकर गए हैं। कौन आया था इसे लेने? वो तो पता नहीं सर। हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरा है? सर हॉस्पिटल के पास ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है जिससे ये साबित हो कि आसिफ वहाँ से अकेले निकला है या फिर कोई उसे लेने आया था। सर हॉस्पिटल के लॉबी में एक सीसीटीवी कैमरा है, आसिफ वहाँ कैप्चर नहीं हुआ है। सर अब पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि या तो वो हॉस्पिटल के पीछे वाले गेट से निकला हो या फिर राइट साइड वाले, क्योंकि सर इन दोनों ही एरिया में सीसीटीवी कैमरा नहीं है। शिरके अगर वो इंटेंशनली छुप के जा रहा है तो इसका मतलब वो हमसे कुछ छुपा रहा है। राइट सर।
वैसे सर मैंने आसिफ की फोटो सभी जगह सर्कुलेट करवा दी है और सिटी में भी अलर्ट दे दिया है। उम्मीद है वो जल्दी पकड़ा जाएगा सर। ये राशिद हुसैन पे भी नजर रखो, लोकेशन बदला भी जा सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं हमें दिखाने के लिए फोटो खिंचवाई गई हो। शिरके, वो ट्रक ड्राइवर बरकत अली, उसने टारगेट के बारे में क्या बताया था? वो सुपारी देने वाली क्या पहचान दिखाई थी उसने? ब्लैक बाइक आएगी, उसमें मुस्लिम जोड़ा है, उसमें एक औरत है बुर्का पहन के, उनको उड़ाना है। और वो अरीफ और शबाना, उसकी पड़ोसन यास्मीन, उसने क्या बोला था? वो दिन आरिफ भाई और शबाना, यूनिस और उनकी बेगम रेहाना, वो लोग साथ में निकाह में जाने वाले थे। यूनुस और रेहाना उन लोगों को गली के बाहर मिलने वाले थे। फिर क्या हुआ, वो गए कि नहीं? साथ में गए तो थे पर रेहाना नहीं गई। यूनुस भाई और रेहाना का कुछ झगड़ा हुआ और वो घर वापस आ गई और यूनुस भाई अकेले ही मोटरसाइकिल में आरिफ और शबाना के पीछे निकल गए। जब रेहाना घर वापस आई, उसी ने मुझे ये सब बताया। चलो वायरल वीडियो फिर से एक बार देखते हैं। शिरके, शुरू से वीडियो लगाओ। पॉज करो, पॉज करो उसको, फिर से पहले से थोड़ा। एक मिनट पॉज करो शिरके। यासिफ और शबाना निकलने से पहले ये एक आदमी निकला है, ये भी इसको जूम करो। देखो ये भी मुस्लिम है और इसके बाइक का कलर भी ब्लैक है। शिरके सर, आनम को लेके आओ। बेटा ये देख रहे हो बाइक पे, ये कौन है जानती हो? अंकल ये यूनुस चाचू है, अब्बा के दोस्त। यूनुस को लेके आओ। ये पकड़ 1,00,000 रुपया, अभी काम मेरे को जल्दी मांगता है। हेलो, मैं कर रहा हूँ, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, मैं कर रहा। मैम यूनिस भाई आपके घर पे पुलिस आई है। यूनुस और उसकी बीवी रेहना अरीफ और शबाना के मर्डर के दिन से गायब थे। कहीं ये इस बात का सबूत तो नहीं कि इस हत्या में उनका हाथ है? जब हम उसके घर पे छानबीन करने के लिए गए तो उसके घर को ताला लगा हुआ था और आसपास के पड़ोसियों को पता भी नहीं था कि मियां बीवी अचानक से कहां गायब हो गए। उसका फोन भी हमने ट्रेस किया लेकिन उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। असीफ और यूनुस की हमें तलाश थी, हमने यूनुस की वाइफ रेहना के मायके में पूछताछ की लेकिन वहां पे वो दोनों नहीं थे और किसी को पता नहीं था वो कहां गए, इसलिए यूनुस के ऊपर का डाउट हमारा बढ़ गया। अनम से एक बात पता चली कि यूनुस ने एक हफ्ते के लिए अरीफ की कार रेंट पे ली थी किसी टूरिस्ट को घुमाने के लिए, तो हो सकता है उसने होटल भी लिया होगा रेंट से और वो भी इसी एरिया में। तो हमने इस एरिया के सारे होटल छान मारना शुरू कर दिए। एक्सक्यूज मी, इसका नाम यूनुस है, ये आपके होटल में आया था? सब चेक करना पड़ेगा, बताता हूँ अभी। नहीं साहब, इनको कभी देखा नहीं मैंने। नहीं देखा? नहीं। अरे ये यूनुस भाई है, इनको तो पसंद है। क्या 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 भाई, जा ऐसे काम कर, जा अपना काम कर, जा। झूठ बोलता है। साहब बता दो साहब, एक हफ्ते पहले यूनुस भाई कपल को लेकर इस होटल में आए थे साहब। साहब उन्होंने अपने नाम पर एक कमरा बुक करवाया था साहब, मैंने उनसे आईडी मांगा था लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया, बात को टाल दिया साहब। साहब मैं उनको अच्छे से जानता हूँ इसलिए मैंने सोचा ये तो अपने आपस की बात है। दो मिनट पहले तू उसे पहचानने से मना कर रहा और बोल रहा आईडी नहीं लिया। होटल में सीसीटीवी कैमरा है ना? है ना साहब। फुटेज चाहिए उसकी, चल ले क्या? अभी लाता हूँ। चल। ये दोनों दो दिनों तक होटल में थे। यूनुस सुबह होटल में आता था, इन लोगों को लेकर चला जाता था और उसके बाद देर रात में इन्हें छोड़ देता था। और सर तीसरे दिन इन लोगों ने बिना किसी रीजन के होटल छोड़ दिया और कहाँ चले गए किसी को नहीं पता। मतलब हमारे पास यूनुस तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। और ऐसे में हमें एक जगह से लीड मिली जहां से हमें उम्मीद भी नहीं थी। एक घर काम करने वाली औरत गीता हमारे पास पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लेके आई। अरे अरे, 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 अरे आप अंदर जा सकते हैं।
क्या जल है? नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। मैं गीता। हाँ। मैं घर काम करती है, अकबर और आसमा सामी नाम के लोगों के पास मैं काम करती थी। वो घर भाड़े पे ही था, वो मैडम इधर उधर सब घर में उल्टी करती थी। मैंने वो सब साफ भी किया, लेकिन वो हलकट लोगों ने ना मेरा पगार दिए बिना वो घर से चले गए। और अब वो पुलिस वाले लोगों ने वो घर को ताला मारा है। इसके लिए मुझे आपसे मिलने का था। चिड़िए, हमने किसी फ्लैट को सील किया? नहीं सर। कौन से एरिया की बात कर रहे हैं? सर, हे घर है। सर ये तो सीबीआई की सील है, सिक्योरिटी से बात करनी पड़ेगी। सर वो फ्लैट यूनुस नकवी नाम के आदमी ने रेंट पर लिया था। यूनुस? पर वो वहां रहता नहीं था, आता जाता रहता था बस। पर एक कपल वहां रहता था, पर वो लोग भी चार पांच दिन के बाद चले गए थे। सीसीटीवी फुटेज दिखा सकते हो? सर देखिए, यूनुस रोज सुबह यहां आता था, फिर दिन भर तीनों जन बाहर रहते थे, और शाम को यूनुस इनको ड्रॉप करके यहां चला जाता था। हाँ सर, ये देखिए, ये फुटेज सीबीआई रेड की है। 20 अक्टूबर को सीबीआई ने इस फ्लैट पर रेड की थी। ये यूनुस सीबीआई के साथ क्या कर रहा था? सर वही तो सीबीआई को यहां रेड करने के लिए लाया था, यूनुस। और ये यूनुस के साथ ये जो कपल थे, ये लोग कहां गए? सर वो दोनों कहां गए ये तो किसी को नहीं पता, पर ये देखिए, सीबीआई रेड के कुछ एक घंटे पहले ये दोनों फ्लैट छोड़ के जा रहे हैं। इसके बाद कभी वो लोग वापस नहीं आए। सर आखिर यूनुस को उन कपल्स के बारे में ऐसा क्या पता चला कि उसने खुद सीबीआई की रेड करवाई? नमस्ते देशमुख सर, सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर। हेलो, पीएसआई शिरकी। हेलो हेलो, बैठिए ना सर। थैंक यू सर। यूनुस नकवी के बारे में बात करनी थी, उस सील्ड फ्लैट के रिलेटेड। यूनुस? यूनुस तो हमारा खबरी है। वो एक बांग्लादेशी टूरिस्ट कपल है, अकबर और आसमा। उनको मुंबई दिखा रहा था, मतलब फिल्म स्टार्स के घर, सीएम ऑफिस, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह वगैरह। तो जब वो होटल से फ्लैट में शिफ्ट हो गए, तब उसने एक्सीडेंटली एक दिन उनकी बातें सुन ली। तब उसे पता चला कि वो मुंबई पर अटैक करने की बात कर रहे थे। जी जनाब, बस यही तय करना है कि टारगेट कहाँ हो, जहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग हों, ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। मैंने पूरा मुंबई देखा, चीफ मिनिस्टर हाउस, बीएसई, स्टॉक एक्सचेंज, लोकल स्टेशंस, मैं उनकी लिस्ट बना रही। जैसे उसको पता चला कि वो टूरिस्ट नहीं, तो उसने फौरन हमें इन्फॉर्म कर दिया। हमने उस फ्लैट पर रेड किया, लेकिन तब तक वो जा चुके थे। हमें सूटकेस वगैरह मिला, लेकिन कोई आईडी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, क्योंकि हर जगह उन्होंने यूनुस का ही आईडी यूज किया था। वैसे आप यूनुस के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? सर हमारे पास एक डबल मर्डर का केस आया था। अच्छा। जिसमें सेम कलर के बाइक पे, सेम टाइम पे दो अलग अलग कपल सेम डेस्टिनेशन पे जाने वाले थे। ट्रक ड्राइवर को ब्लैक कलर के बाइक पे बैठे हुए मुस्लिम कपल को मारने की सुपारी दी गई थी। सब 50,000 रुपया मिले थे उनको मारने के लिए। यूनुस अपने वाइफ को लेके जाने वाला था बाइक पर, लेकिन आइन टाइम पे उसका उसके वाइफ के साथ झगड़ा हो गया, इसलिए वो अकेला चला गया और सुपारी किलर ने वो दूसरे कपल का मर्डर कर दिया। ओ, अब आप कह रहे कि यूनुस आपका इन्फॉर्मर था, तो ऐसा हो सकता है सुपारी किलर ट्रक ड्राइवर का टारगेट यूनुस था, आरिफ और शबाना ने? हो सकता है अकबर सामी ने खुद को बचाने के लिए यूनुस की सुपारी दी। हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि इस सामी कपल के साथ कुछ लोकल लोग भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन हमें अब तक कोई क्लू नहीं मिला है। अच्छा, यूनुस ने हमें बताया कि उनके पास एक सैटेलाइट फोन भी था, जिसे ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन वो फोन ऑफ आ रहा है। सर इसका मतलब मुंबई पर कोई बहुत बड़ा अटैक होने वाला है, इसलिए अच्छा होगा कि हम लोग आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करें, ताकि इस अटैक से बचा जा सके। यस सर। बिल्डिंग के सेक्रेटरी ने हमें बताया था कि 20 अक्टूबर को अकबर और आसमा दोनों निकले थे, मतलब आरिफ और शबाना के मर्डर के दो दिन पहले। शायद अकबर को ये पता चल गया होगा कि यूनुस ने सीबीआई वालों को कांटेक्ट किया है, इसलिए उसने बरकत अली नाम के ट्रक ड्राइवर को हायर किया यूनुस और रेहाना को मारने के लिए, और लेकिन गलती से उसने मार दिया आरिफ और शबाना को। लेकिन ये अकबर है कहाँ? सर मुझे लगता है कि हमें इन तीनों को जल्दी से जल्दी पकड़ना चाहिए।
क्योंकि ये जो यूनुस है ये पूरी तरह से इनोसेंट नहीं है सर। उसके बैंक डिटेल्स पे नजर रखो, ट्रांजेक्शन होता है तो उसको हम पकड़ सकते हैं। अरे गीता कामवाली बोल रही थी आसमा बीमार है। वो मैडम इधर उधर सब घर में उल्टी करती थी, तो किसी हॉस्पिटल में भी उसको ट्रीटमेंट के लिए लेके गया होगा, वो भी चेक करो। एक्सक्यूज मी मैडम, ये लेडी यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आई थी क्या? हाँ सर, मैंने इन्हें देखा है, ये यहाँ पर अपने ट्रीटमेंट के लिए आई थी। सर बोलो। चलिए सर, जिस दिन सीबीआई ने सामी कपल्स के घर पर रेड मारी थी सर, उसके कुछ घंटे पहले आसमा अपने फूड पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट के लिए सकीना हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। सर उसकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी, लेकिन अकबर ने वहाँ से उसे ज़बरदस्ती डिस्चार्ज करा लिया। सर डॉक्टर ने उसे मना भी किया लेकिन वो माना नहीं। इसका मतलब है उसको सीबीआई के रेड की खबर लगी थी। वहां से निकले तो गए कहां? आइए सर। सर टेक्निकल टीम के मुताबिक लड़की की उम्र 30 से 35 साल के आसपास है। बॉडी काफ़ी देर से पानी में थी सर, इसलिए पूरी तरह से डिकम्पोज्ड हो चुकी है, और ये चेहरा भी शायद मछलियों ने खा लिया सर। और सर ये देखिए, ये लड़की के हाथ पे कुछ टैटू है, हो सकता है इसकी मदद से हम इसे पहचान पाएं, क्योंकि इसके आसपास तो हमें कोई आईडी नहीं मिली है। बॉडी पे कोई और इंजरी मिली? नहीं सर, बॉडी पे कोई भी इंजरी नहीं है, इवन एक खरोंच तक नहीं है। पोस्टमार्टम को भेज दो बॉडी। बारीक वाली शक्कर लाते जाना रे। सर पिछले 4 दिनों में यूनुस ने खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन के अलग अलग एरिया से तकरीबन 1,00,000 रुपए विड्रॉल किए हैं। हाँ, और सर ये सभी एटीएम्स खेरवाड़ी एरिया में। सर पूरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यूनुस खेरवाड़ी एरिया में छुपा हो सकता है। सर मैंने अपनी टीम को सिविल ड्रेसेस में वहाँ पे तैनात कर दिया है, और सर बैंक एम्प्लॉयज को भी कह दिया है कि जैसे ही वो पैसे विड्रॉल करें हमें इन्फॉर्म करें। गुड जॉब शिरके, अब यूनुस जल्दी हमारे हाथ में आ जाएगा। एक मिनट सर। हेलो, ठीक है सर, यूनुस खेरवाड़ी एटीएम से पैसे विड्रॉल कर रहा है। लेट्स गो, चलो हम हो रहे। कहाँ है? सर बच्चा आया था पैसे निकालने। यूनुस कहाँ है? सर यूनुस खुद नहीं आया था पैसे निकालने के लिए, उसने अपना डेबिट कार्ड और पिन नंबर देकर इस बच्चे को भेजा था पैसे निकालने के लिए। ये देखिए बेटा, ये डेबिट कार्ड किसने दिया आपको? मुर्गी वाली आंटी बोली थी अगर मैं पैसे निकाल के दूंगा तो वो मेरे को 100 रुपए का इनाम देगी। मुर्गी वाली आंटी, उनने बोला था कि चौराहे पे आना। चौराहे पे, ये पकड़ो इसको, चौराहे पे जाने दो। शिरके इसके ऊपर नजर रखो, वो बच्चे से पैसे लेने जरूर आएगी, बच के नहीं जानी चाहिए। माने तो सर बुरखे वाली आ गई। चलो सीधे सर यहाँ तो रेड एंड है, इन्हीं में से किसी घर में होगा। हर घर चेक करो। माने उधर कॉर्नर पे रुको। छोड़ दो सर, चल सब इंजेक्शन दे दो सर, सब इंजेक्शन।
इंजेक्शन दे दो सर, साहब इंजेक्शन दे दो मेरे को, मेरे को वो दे दो सर। यूनुस कहाँ है? यूनुस कहाँ है? मेरे को नहीं मालूम साहब, यूनुस कहाँ है? मेरे को कुछ भी नहीं मालूम। देख तू यूनुस कहाँ है मुझे बता, और तू यहाँ कैसे है वो बता। मेरे को ज्यादा कुछ मालूम नहीं साहब, सिर्फ इतना मालूम है कि वो शाम को 4 बजे सहार रोड पे ललित बेकरी के पास आने वाला है साहब। गोली मार दूंगा। गाड़ी साइड में ले, निकल बाहर। क्या भाग रहा तेरे? कौन कौन है गाड़ी में? बाहर निकालो उसको। बैग में से कुछ कैश और इन दोनों हस्बैंड वाइफ के नाम का इंडियन फेक पासपोर्ट मिला है। ये सब कुछ तेरे कारण हुआ है। लेके चलो इनको सबको। चल। साहब मैं सीबीआई को खबर किया तो इसको और आसमा को भागना पड़ा सा, जिसमें आसमा मर गई सा। तभी इसने अपन की बीवी रेहाना का किडनैप किया और मेरे को ब्लैकमेल करने लगा, बोला कि जाली पासपोर्ट निकाल के दे, नहीं निकाल के देगा तो तेरी बीवी का कत्ल कर देगा। आरिफ और शबाना की सुपारी क्यों दी थी? सुपारी तो साहब अपन की और रेहाना की दी गई थी, बोला तो ड्राइवर ने गलती से मार दिया उन दोनों को। किसने दी थी सुपारी? लैंड माफिया का राजन ढोलकिया सा, वोइच मेरे को इन लोगों से मिलवाया सा। उसको लगता है अपन सीबीआई के सामने उसका नाम भी उगल देगा, क्योंकि राजन ढोलकिया इन लोगों का मुंबई का कॉन्टैक्ट है सर। बस इतना ही? और कुछ बोलना चाहता है तू? जिसके लिए अपन राजन ढोलकिया से एक बहुत बड़ी डील की सर। क्या डील थी? अपन को 1,00,000 रुपया दिया मुंह बंद रखने के लिए। तब अल्लाह का सब, जिस दिन अपन को मालूम पड़ा ना कि ये लोग टेररिस्ट है साहब, अपन सीधा सीबीआई के पास चला गया साहब। सब बोल रहे हैं। बोल तू बोल। तो ऐसी जगह पे भेज दूंगा ना जहाँ पासपोर्ट की जरूरत भी नहीं, 50 को 1 कम है सिर्फ। बोल साहब, आसमा को अस्पताल में भर्ती करवाने के बाद फारिग होके मैं घर पहुंचा, सीबीआई की रेड पड़ी हुई थी साहब, और ये यूनुस घर के बाहर खड़ा हुआ था, बहुत बेफिक्र लग रहा था। मैं समझ गया कि सीबीआई वालों को यही लेके आया होगा। मैं हॉस्पिटल जाकर आसमा को डिस्चार्ज करवाया, पर बीमारी के कारण उसका इंतकाल हो गया। लाश को दफनाने की सूरत नहीं थी, इसलिए मैंने उसकी लाश को नाले में फेंक दिया सर। ये आसमा सामी है ना? हाँ साहब। शिरके 4 शीट बनाओ, इसको भी अंदर रखो। बेटा आपके अम्मी अब्बू को जिसने मारा ना, उसे हमने ढूंढ के निकाला है, अब हम उसको पनिशमेंट देंगे। क्यों मारा उन्होंने मेरे अम्मी अब्बू को? गलती से मारा उन्हें, वो उन्हें मारना नहीं चाहते थे। गलती से मार दिया? किसकी गलती से? लैंड और ड्रग माफिया राजन ढोलकिया को अरिफ और शबाना के मर्डर केस में अरेस्ट कर लिया गया। उसने ये भी कन्फेस किया कि वो यूनुस को मारना चाहता था, क्योंकि यूनुस ने उससे पैसे लिए थे, लेकिन फिर भी उसने सीबीआई को इन्फॉर्म किया था। अकबर को बांग्लादेश डिपोर्ट किया गया और कंसर्न पर्सन को सौंप दिया गया। सिंपल से लगने वाला हिट एंड रन का केस मुंबई में बहुत बड़े अटैक से जुड़ा हुआ निकला, लेकिन यूनुस की देश के प्रति जिम्मेदारी और समझ और सीबीआई की इमीडिएट एक्शन की वजह से ये नाकाम हो गया। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल 10 तक के अगले भाग में। तब तक के लिए सतर्क रहिए, तो देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।